हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अब पिछले काफ़ी कुछ टाइम से मैं एक ही कमेंट बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से एक मिसकंसेप्ट हो चुका है। अभी ACPC का सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही स्टार्ट हुआ है, चॉइस फिलिंग कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब आपको ACPC को बताना है कि इस साल मुझे आपकी इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में मेरा पार्टिसिपेट करना है, मुझे भाग लेना है, तो आपको अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब सिर्फ यही प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, इसके बाद की सारी प्रोसेस बची हुई है। इसके बाद की प्रोसेस यानी कि मॉक राउंड, राउंड वन, राउंड टू और पिछली जितनी भी प्रोसेस होगी वो बाद में होगी, अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन ही होगा। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे आपको अपनी कास्ट काफ़ी अच्छे से, जो कास्ट है वही सिलेक्ट करनी है। अगर ओपन है तो आपको पर्टिकुलर ओपन वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। ACBC, EWS, SC, ST और PWD जो भी आपकी कास्ट है वो आपको अच्छे से वहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, इसमें गलती ना करें। अगर इसमें गलती होगी तो फिर क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि ACBC कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, अगर भूल गलती से भी आपने ओपन कैटेगरी सिलेक्ट कर दी तो फिर आपका कट ऑफ है वो ओपन के लिए कंसिडर होगा, ना कि फॉर ACBC। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं वो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से प्रिपेयर करने होंगे। TFWS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आपके पास आपका जो फादर का इनकम सर्टिफिकेट है वो अभी से रेडी होना चाहिए। ये होता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की रजिस्ट्रेशन कब करें, तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप जल्दी करें बाद में करें, आपके पास जब भी टाइम हो तब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप हो सके तो एक दो वीक के अंदर कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। इसके लिए आपको 300 रुपीज का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ये होता है रजिस्ट्रेशन फी। ये वापस नहीं मिल सकती, ये कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना होगा। इससे पहले क्या होता था, जब कोविड नहीं था तब 2018-19 के अंदर आपको बैंक ब्रांच में जाके एक पूरा 300 रुपीज देके एक पिन होता था, वो पिन वहां से लेना होता था। तो ये पहला ऑफलाइन प्रोसेस था, बट जैसे ही पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से ये सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो ये होती है तीसरी बात कि आपको 300 रुपीज कंपलसरी पे करना होगा। उसके अलावा अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करना होगा, अच्छे से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए जितने भी गाइडलाइंस है, जितने भी PDF है, वो आप jacpc.ac.in, वो मैं नीचे कमेंट में आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो वहां पे जितनी भी यूजफुल PDF है वो सबसे पहले पढ़े तो उससे काफी आसानी होगी, किस तरह से स्टेप फॉलो करना होगा वो आप जरूर से कर सकते हो। इसके अलावा अभी भी आपको रजिस्ट्रेशन कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, तो मैं एक डमी डेटा फिल करके आपको सिखा दूंगा कि आपको किस तरह से पूरा डेटा फिल करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी हो सो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।